हे गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की सबसे बेहतरीन टॉप 12 बेस्ट मूवीज को कवर करेंगे, जो बहुत ही अमेजिंग है। वैसे तो टॉम क्रूज की आज तक काफी सारी मूवीज आ चुकी है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट मूवीज को ही इंक्लूड किया है, जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। सो गाइस, वीडियो में लाइक कमेंट कर देना एंड ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी टाइम, यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 12, नाइट एंड डे 2010। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसमें एक यंग वुमन जून हेवेंस की कहानी दिखाई गई है, जो अपने बहन की वेडिंग में जाने के लिए एक फ्लाइट पकड़ती है, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक स्ट्रेंजर से होता है, जो बहुत ही चार्मिंग है, लेकिन वह एक किलर है। जून की शादी में जाना कैंसिल हो जाती है और वह उसके साथ फंस जाती है हाई स्पीड कार चेजिंग, डेडली फाइट्स और डेंजरस सेक्शन में। लेकिन कौन है वो अजनबी जिसे मारने के लिए लोग पीछे पड़े हैं? क्या वो कोई बैड गाय है? जवाब आपको मूवी में ही मिलेगी। 6.3 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 11, कोलैटरल 2004। मूवी के अंदर मैक्स नाम का एक कैब ड्राइवर होता है, जो रूस की तरह अपने कैब लेकर निकलता है पैसेंजर की तलाश में। लेकिन एक रात विंसेंट नाम का एक पैसेंजर उसके कैब में बैठता है और उसके बाद से मैक्स के लिए वह रात किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। मैक्स ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसके पैसेंजर विंसेंट एक किलर है, जो एक डेडली मिशन पर है लोगों को मारने की। अब मैक्स को उसे किसी भी तरह से रोकना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। क्या होता है आगे जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 7.5 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। नंबर 10, जैक रिचर्ड 2012। कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से, जहां एक एक्सपर्ट स्नाइपर ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस तुरंत अपराधी की पहचान करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आरोपी अपने गुनाह कबूल करने को राजी नहीं होता और वह कहता है जैक रिचर्ड को पकड़ो। जब रिचर्ड को यह बात पता चलता है, तो वह इस मामले से जुड़ी जाँच करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वह जाँच को आगे बढ़ाता है, उसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी का पता चलने लगता है। क्या है सारा मिस्ट्री जानने के लिए मूवी जरूर देखे। 7/10 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 9, माइनॉरिटी रिपोर्ट 2002। कहानी सेट होती है फ्यूचर में, जहां एक स्पेशल पुलिस यूनिट बनाई जाती है, जो मर्डरर्स को क्राइम्स करने के पहले ही अरेस्ट करने का क्षमता रखती है, और ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहर से क्राइम रेट को कम किया जा सकता है, और इस तरह से काफ़ी सारे मर्डरर्स को पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आ जाती है, जब उसी पुलिस यूनिट का एक ऑफिसर आरोपी बन जाता है फ्यूचर में मर्डर करने की। अब क्या होता है आगे जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 7.6 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 8, वार ऑफ द 2005। कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से, जहां रॉय नाम का एक डॉग वर्कर होता है, जो काफी दिनों के बाद अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसकी तैयारी खाक में मिल जाता है, जब शहर में एक मैसिव एलियन अटैक हो जाता है, और अब उसे किसी भी तरह से ऐसी खतरनाक सिचुएशन में अपने फैमिली को बचाना होगा। आगे की स्टोरी मूवी के अंदर देख सकते हैं। 6.5 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 7, जेरी मैगुर 1996। मूवी के अंदर एक स्पॉट एजेंट की कहानी दिखाई गई है, जिसकी खुद की एक मॉरल थॉट होता है, जिसे वह कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि आज़ादी नहीं है खुद की विचार को दूसरे पे थोपने की। लेकिन एक दिन वह अपने मॉरल थॉट को व्यक्त कर देता है, जिसके वजह से उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने नए फिलोसफी को एक इंडिपेंडेंट एजेंट के रूप में टेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता, सिवाय उसके एक फॉर्मर कालिक के। क्या होता है आगे जानने के लिए मूवी जरूर देखे। 7.3 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 6, द लास्ट समुराई 2003। मूवी के अंदर एक अमेरिकन मिलिट्री एडवाइजर होता है कैप्टन नाथान, जो किसी के लिए भी काम करता है। उसे जापानीज के द्वारा हायर किया जाता है मॉडर्न वारफेयर को जापानीज आर्मी को सिखाने के लिए। लेकिन एक बैटल के दौरान वो समुराई के हाथों पकड़ा जाता है। वो बहुत ही जख्मी होता है, उसे समुराई के द्वारा मारा नहीं जाता, बल्कि उसे पनाह दी जाती है और उसकी जख्मों को ठीक करने की कोशिश किया जाता है, और नाथान धीरे धीरे समुराई कल्चर से प्रभावित होने लगता है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 7.8 की रेटिंग है मूवी के IMDb पर। नंबर 5, द मोमी 2017। कहानी की शुरुआत होती है सर्जेंट निक और कॉर्पोरल क्रिस से, जो दुश्मन के साथ एक रेगिस्तान के बीच लड़ रहे थे। तभी वे दुश्मन के गढ़ पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे एक प्राचीन मिस्र की राजकुमारी रेगिस्तान के नीचे उसके तहखाने से जाग उठती है, और वह अपने साथ सदियों का गुस्सा और टेरर लेकर आती है और मॉडर्न दुनिया पर कहर बरपाने लगती है। अब निक को किसी भी तरह से उस मोमी को रोकना होगा और खुद की और लोगों की जिंदगी बचानी होगी। क्या होता है आगे जानने के लिए मूवी जरूर देखे। 5.4 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 4, ओब्लिवियन 2013। कहानी की शुरुआत होती है इन द फ्यूचर, प्लेनेट अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई भी अर्थ पर अब नहीं रहता है। ऐसे में जैक हार्पर नाम का एक ड्रोन रिपेयरमैन पृथ्वी से ऊपर एक स्टेशन में रहता है। पृथ्वी अलौकिक प्राणियों के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है, और जैक एक दिन एक औरत को पृथ्वी में उन एलियन के हमले से बचाता है, जिसके बाद से जैक अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने लगता है, क्योंकि वह औरत इससे पहले भी उसके सपनों में बार बार आती रहती थी। क्या है सारा मिस्ट्री जानने के लिए मूवी जरूर देखे। 7/10 की
रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 3 एज ऑफ टूमरो 2014। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से जो पूरी तरह से एलियन के कब्जे में जा चुकी है और उन एलियन इतनी पावरफुल होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से बीट नहीं किया जा सकता है, फिर भी मिलिटारीज उनसे लड़ते रहते हैं। मूवी के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर मेजर विलियम की कहानी दिखाई गई है जो उन्हें एलियन से लड़ते वक्त टाइम लूप में फंस जाता है और एक ही दिन को बार बार जीने लगता है। वो एलियन हमले में मर जाता है लेकिन फिर जिंदा होता है, लेकिन हर एक बैटल के दौरान वो खुद की स्किल का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। अब वो एक स्पेशल फोर्स वॉरियर रीटा के साथ मिलकर उन एलियंस को पूरी तरह से डिफीट करने का रास्ता ढूंढने लगता है। क्या होता है आगे जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 7.9 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 2 मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग पार्ट 1 2023। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी 1996 से चली आ रही है और अब तक इस फ्रेंचाइजी की काफ़ी सारे मूवीज आ चुकी है जो एक से बढ़कर एक होता है। अब इस मूवी की बात करते हैं जहां इतान हंट और IMF टीम को एक भयानक हथियार का पता लगाना होगा जो गलत हाथों में पड़ने पर पूरी मानवता के लिए खतरा है। फ्यूचर पर दुश्मनों का कब्जा जिससे दुनिया का फेट पूरी तरह से दाव पर होने से दुनिया भर में एक डेडली चेज शुरू हो जाती है और इतान को एक मिस्टीरियस दुश्मन का सामना करना है जिसके हाथ में दुनिया का कंट्रोल जाने वाला है। क्या होता है आगे जानने के लिए मूवी जरूर देखें। 7.9 की रेटिंग है इस मूवी के IMDb पर। नंबर 1 टॉप गन मैवरिक 2022। कहानी की शुरुआत होती है नेवी के टॉप एविएटर में से एक पीट मैवरिक से जो 30 सालों से अपना सर्विस देता आ रहा है, लेकिन अब उसे एक इंस्ट्रक्टर के रूप में चुना जाता है जहां उसे नए एविएटर्स के एक टीम को ट्रेनिंग देनी है क्योंकि उन्हें एक खतरनाक मिशन दिया गया है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें हाईली ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसे में मैवरिक उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और साथ में अपनी अतीत का भी मुकाबला करता है जो अब उसके सामने है। आगे की कहानी मूवी के अंदर देख सकते हैं, मूवी बहुत ही अमेजिंग है। इस मूवी को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। सो गाइज, यह था आज का हमारे टॉप 12 टॉम क्रूज की मूवीज का लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।